अच्छे से खाइए और यहाँ पे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करते हुए जरूर यहाँ से जाइए। और जो बच्चे अगर उनको उन्होंने नहीं खाया है तो उनको बता दीजिए कि यहाँ पे खाना आया करके वो लोग बच्चे भी खा सकते हैं। मेरे सामने ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आज दौड़ निकाली है और इनका अभी 24 तारीख को मेडिकल है। यहाँ पर जो भर्ती हो रही है वो कैसे हो रही है, उसमें क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? कल तो दिक्कत आई थी भर्ती में, पर आज कोई दिक्कत नहीं है। आज सब रूल रेगुलेशन सब अच्छा है। भीड़ जाने की व्यवस्था भी, खाने की तापने की सब व्यवस्था की है। टेंट वेंट भी लगा रखा था, सुविधा उधर जाती। परसों थोड़ी दिक्कत आई थी, अच्छा इनका कहना है कि परसों जरूर दिक्कत आई थी और कल थोड़ा काफी भीड़ थी, लेकिन आज की जो व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी है। आज हम लोगों ने पूर्व सैनिक संगठन का हमारा तीसरा दिन है, यहाँ पर हम लोग निःशुल्क बच्चों को खाना वितरण कर रहे हैं, साथ ही रात के रहने के लिए भी हमारे द्वारा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आने वाले समय में जब तक ये यहाँ पर भर्ती रहेगी तब तक हम लोग यहाँ पर निःशुल्क पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से खाना वितरण करते रहेंगे। आपका कुछ कहना है भर्ती के विषय में? बहुत अच्छा है, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सेवा यहाँ खाना भी की। मैं पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही मैं यही भी आप लोगों से कहूँगा, सेना एक बहुत अच्छी संस्था है, इंडियन आर्मी में काफी मान और सम्मान है। आप लोग एक दिन जरूर सफल होंगे और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब आप कभी इसी हमारे सीमाओं में तैनाती आपको मिलेगी उस समय पूर्व सैनिक संगठन की आपको जरूर याद आएगी और आप उसके बाद भी हम लोगों को जरूर मिलिए। हमारा संगठन यहीं पर पिथौरागढ़ में है और हम कभी भी आपकी सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। जय हिंद, राम राम।